कल से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव को आखिर क्यों कोलकाता से अच्छे दिनों की तलाश है, जल्दी से मैं आपको यह भी समझाता हूं, उसके बाद सीधे आपको कोलकाता लेकर चलूंगा जहां पर हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, इस बात को समझिए, अब तक 5 बार कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आखिरी बार 2011 में कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की। अब 12 साल बाद कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहली बार कोलकाता में यह बैठक होगी। सपा का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। मुलायम की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं अखिलेश यादव। बैठक में हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर रणनीति पर भी चर्चा होगी। चुनाव में गठबंधन को लेकर कुछ सदस्य प्रस्ताव रख सकते हैं। जातीय जनगणना से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं और कोलकाता से इसीलिए अच्छे दिनों की उम्मीद अखिलेश यादव को है। आइए आपको बताता हूं, कल कोलकाता में समाजवादी पार्टी की नई सुबह होगी, कल क्या तस्वीर रहने वाली है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। नई सपा है, नई हवा है, ये नारा समाजवादी पार्टी का है। मुलायम के निधन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बंगाल में पहली बार हो रही है। बैठक में टीम अखिलेश की झलक दिखाई देगी। कई पुराने नेता भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रहेंगे। पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ फ्लाइट से कोलकाता पहुंच चुके हैं। 7 साल बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे शिवपाल यादव। आजम खान इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद नहीं है क्योंकि वो खराब स्वास्थ्य और तमाम कानूनी दावपेच में फंसे हुए हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करीब 100 डेलीगेट्स शामिल होंगे। 68 कार्यकारिणी सदस्य और 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। तो ये नारा है अखिलेश यादव का और कल इसलिए सबकी नजर यहां पर टिकी होगी। सीधे रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जहां पर वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, मनोज अलोईवाल के साथ। वीरेश, आखिर में एक सवाल, कल जो कुछ होने वाला वो पूरा एजेंडा हमने आपको बताया, आज आखिरकार ममता बनर्जी से क्या बात हुई, सूत्रों के लिहाज से इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? संक्षेप में मैं चाहूंगा आप और मनोज्ञा हमारे दर्शकों को जल्दी से जरूर बताएं। देखिए, जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी के आवास पहुंचे उसके बाद से सोर्सेस से हमारे पास खबर आई कि उनका फोकस था थर्ड फ्रंट, यानी गैर भाजपा गैर कांग्रेस के जो उनका नारा है और उनकी कोशिश है केसीआर मिल जाए, अरविंद केजरीवाल मिल जाए, ममता बनर्जी मिल जाए, और थर्ड फ्रंट बगैर ममता बनर्जी के संभव नहीं है। और अखिलेश यादव को आश्वस्त किया ममता बनर्जी ने कि मैं आपके साथ हूं, और सोर्सेस से खबर है कि अगली जो थर्ड फ्रंट की बैठक होगी उस पर भरोसा दिया है ममता बनर्जी ने कि उस बैठक में वो शामिल होंगी। मनोज्ञा भी वहां मौजूद थी हमारे साथ। मनोज्ञा, ये थर्ड फ्रंट, क्योंकि थर्ड फ्रंट से ही 96 में डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उसके पहले मुलायम सिंह यादव ने यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी। ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, इसलिए दर्शकों के मन के अंदर की जो गुत्थी है उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। वीरेश, आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगी। पहला ये कि जब आप बंगाल की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो है ममता बनर्जी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास आता है कि बीजेपी को हराने का अनुभव राज्य में। लेकिन देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं और कहते हैं वाराणसी आकर मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो राजनीति का फॉर्मूला बदल जाता है। यही गंगा जब उत्तर प्रदेश में बहती है तो बीजेपी के लिए चली जाती है, और जब हुगली बनकर बंगाल में आती है तो ममता बनर्जी को जिता देती है। लेकिन क्या इसी नदी के किनारे जहाँ हम खड़े हैं, इसी गंगा और हुगली नदी के किनारे पर आज मिलकर ममता बनर्जी से अखिलेश यादव के दिन फिरेंगे क्या? अब वो यहाँ से जब उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि इसी महीने के अंत में यानी कि मार्च की लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जाएंगी और इन सारी गोटियों को यानी कि शतरंज की बिसात को सजाने की तैयारी अब शुरू होगी। लेकिन ये अभी चेकमेट नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। जिस तरह का संगठन उनका जमीनी स्तर पर है वो अभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, और उसके साथ अपने कार्यकर्ताओं में ये मनोबल रखना कि हम टक्कर ले सकते हैं बूथ स्तर पर। बिल्कुल वीरेश, तो कुल मिलाकर इसी पर आज चर्चा हुई और यही बड़ा संदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।